हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ एकदम मज़ेदार और एकदम टेस्टी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। मतलब ये आपको ब्रेकफास्ट के लिए बना सकते हो। तो चलो इस रेसिपी को शुरू करें। यहाँ पर मैंने चावल को जो है मिक्सर में ग्राइंड किया है। उसके बाद नमक, थोड़ा जीरा, धनिया पत्ता, पनीर लिया है मैंने यहाँ पर, और यहाँ पर एक बॉइल्ड पोटैटो लिया है, उसका मैंने अच्छे से मैश किया है। अब ये जो चावल का जो मैंने आटा ग्राइंड किया है ना, वो किसे मैंने आधा घंटा भिगो के रखा था चावल को, और उसको अच्छे से वॉश किया है। फिर उसमें मैंने 4 से 5 हरी मिर्च और 4 से 5 लहसुन की कलियाँ ऐड की है और उसको ग्राइंड किया है। और आपको इसमें ना कुछ पानी ऐड नहीं करना है। अगर आपको लगता है कि इसमें पानी विदाउट ऐड करें आपका जो बैटर है वो ग्राइंड नहीं हो रहा है, तो आप 4 से 5 टेबलस्पून पानी ऐड कर सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं। अब इसमें हमें जो मैश किया हुआ पोटैटो है वो ऐड करना है। अब इसमें ऐड करेंगे हम पनीर। अब इसको अच्छी तरह से हमें मिक्स कर लेना है। देखिए कैसा हमारा बैटर जो है कैसा थिक हो गया है अच्छे से। तो ऐसे ही हमें पूरा बैटर रखना है कि हम उसकी टिक्की बना सके। आपका बैटर ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए, अदरवाइज आपकी टिक्की बनेगी नहीं। हमने इसमें कुछ सोडा कुछ भी यूज़ ऐसा किया नहीं है। अब इसमें हम धनिया पत्ता ऐड करेंगे, थोड़ा जीरा और नमक। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसको हाथ से ऐसा मिक्स कर लेती हूँ अच्छे से। हाथ को मैंने अच्छे से वॉश किया है। अब इसको एक अच्छे से, जैसे हम रोटी कट के से आटा गूंथते हैं, वैसे ही उसको एक आटे की तरह हमें तैयार करना है। देखिए हमारा जो बैटर है वो अच्छे से रेडी हो चुका है। अब इसकी हम इसे टिक्की बनाएंगे। अब क्या करो, अगर आपको लग रहा है कि हाथ से ऐसा नहीं हो रहा है, थोड़ा हाथ को अपना आपके ऑयल लगा लो, थोड़ा सा 1 से 2 ड्रॉप ऑयल लगा लो, फिर इसके बाद आप बना सकते हो। मतलब वो हाथ को आपके स्टिक नहीं होंगे, चिपकेंगे नहीं। इसी तरह से सेम हमें सारे बनाने हैं। देखिए मैंने ऑयल थोड़ा सा लगा रही हूँ, ज़्यादा नहीं, 1 से 2 ड्रॉप मैंने ऑयल लिया है। आप चाहे तो इसमें चावल का आटा भी ले सकते हो, जो आपको अच्छा लगे। अगर चावल भिगो के रखे, आप आधा घंटे भिगो के रखे चावल को ग्राइंड कर सकते हो, या फिर चावल का आटा ले सकते हो। देखो सेम ऐसे ही हमें पूरे सारे बनाने हैं। देखिए मैंने सारे बना लिए हैं। अब इसको हम फ्राई कर लेंगे। तो मैंने तेल ऑलरेडी रखा है गर्म करने के लिए पैन में। देखिए हम एक एक करके इसमें सब ऐड करेंगे अभी, और इसको अच्छी तरह से दोनों साइड से हमें गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से फ्राई करना है। और इसको हमें एकदम मीडियम गैस पे रखना है, ज़्यादा फास्ट गैस पे नहीं। अगर आप फास्ट गैस पे रखोगे तो ये सिर्फ ऊपर से हो जाएंगे और अंदर से ऐसे कच्चे ही रहेंगे, पूरी तरह पकेंगे नहीं अंदर से। तो हमें इसको मीडियम गैस पर ही अच्छे से फ्राई कर लेना है। अगर आप कम ऑयल का यूज़ करना है तो आप इसको शैलो फ्राई भी कर सकते हो। देखिए थोड़ा थोड़ा हल्का ऊपर से ऑयल डालेंगे। आप देख सकते हो इसका कलर कैसे चेंज हो रहा है, एक साइड से ना थोड़ा थोड़ा कलर चेंज हो रहा है। देखिए देखिए हमें अभी इसको पलट देंगे। हमें दोनों साइड से अच्छे से इसको गोल्डन ब्राउन करना है। दोनों साइड से अच्छे से ये फ्राई होने चाहिए। बिना सोडे के भी कितने अच्छी तरह से फूल गए हैं, तो आप इसमें सोडा ना ही डालें तो ही अच्छा है।
उसका टेस्ट भी अच्छा आएगा बिना सुड़े से। देखिए हमारे जो टिक्की से अच्छे से फ्राई हो गई है, अब इसको चम्मच की मदद से हम निकाल देंगे। एक एक करके हमें सारे ऐसे निकालने हैं। अब सेम प्रोसेस हम रिटर्न करेंगे। आपको जो शेप की बनानी है आप वो शेप से बना सकते हो, लाइक आपको राउंड करनी है जो मैंने अभी ऐसा शेप दिया है वो शेप में आप बना सकते हो। आपको जैसे अच्छा लगे आप वैसे शेप से बनाओ। देखिए मैं सारे अब रेडी कर देती हूँ। ये देखिए हमारी टिक्की जो है बहुत अच्छे से रेडी हो चुकी है। इवनिंग स्नैक्स के लिए बहुत ही अच्छा और बहुत ही टेस्टी नाश्ता है ये, है ना, एकदम अमेजिंग और एकदम टेस्टी रेसिपी और एकदम इजी रेसिपी। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि आपको ये रेसिपी कैसे लगी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो ज़रूर मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना।